नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं सभी लोग चुस्त दुरुस्त और मस्त होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद बहुत तेज़ी से आपकी परीक्षाएँ होने वाली हैं। एक से एक परीक्षाएँ आपको देखने को मिलेंगी, जैसे जूनियर असिस्टेंट है, पुलिस की है, BPO की है, और भी आप सारी भर्तियों को देख सकते हैं। उसी में आपका PCS भी लगेगा, उसी में आपका समीक्षा अधिकारी भी लगा होगा। तो सभी पेपर, कई सारे पेपर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कराई जा रही है इस प्लेटफॉर्म पर, और आप लोग केवल अपने ध्यानपूर्वक अपने नोट्स को बनाएं और ध्यानपूर्वक अपनी तैयारी करते रहें, जिससे आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें आप बहुत अच्छा कर सकें, जिससे आप अपना सिलेक्शन ले सकें। समय को जाया ना करें। जैसा IPL का दौर चल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा मैच में परेशान हैं, तो उससे भी आपको हटके रहना है, क्योंकि आपको टारगेट जो करना है वो आपकी परीक्षा है, ना कि क्रिकेट मैच। ठीक है, ये होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन आपका समय अगर निकल गया तो उसके बाद फिर आपके हाथ में कुछ नहीं बचने वाला है। ठीक है, इसलिए किसी एक परीक्षा को टारगेट बनाओ और उसी के लिए आप बेहतर तरीके से तैयारी करो। आप जानते हैं, कहावत कही गई है, एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसलिए आपको मेहनत चिड़िया की आंख की तरह दिखाई देनी चाहिए आपको परीक्षा, तभी आपकी परीक्षा निकल पाएगी। बोलो भाई, कोई दिक्कत है? आवाज आ रही है? सब कुछ सही है? बहुत बेहतर है, कंटेंट भी आपको बेहतर तरीके से मिल रहा है। तो आज की पहली क्लास, ये आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है, सब लोग जानते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़ें और आंसर करें। यूरोपियों द्वारा भारत में सबसे पहली खोली गई बैंक का क्या नाम था? यूरोपियों द्वारा भारत में खोली गई सबसे पहली बैंक का क्या नाम है? जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन पढ़ें और इसका आंसर दें। आपके पास टाइम है केवल 30 सेकेंड का। देखते हैं भाई कौन साथी हमारे सबसे पहले आंसर को देते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरोपियों द्वारा भारत में सबसे पहली खोली गई बैंक का क्या नाम है? क्या वह अवध कमर्शियल बैंक है, क्या वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, क्या वह पंजाब नेशनल बैंक है, कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान है? जल्दी बताओ भाई, सभी का आंसर आना चाहिए, क्योंकि आपको इस वाली क्लास से पहले हमने थ्योरी की क्लास ली थी और उसमें ये सब बातें हमने आपको बताई थी। बैंक के बारे में बताया था कि बैंक क्या होती है, मुद्रा क्या होती है, कठिन मुद्रा क्या है, सरल मुद्रा क्या है। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा चुका है, उसी का एक क्वेश्चन इसमें दिया गया है। जल्दी से आप सभी लोग बताएं कि यूरोपियों द्वारा भारत में सबसे पहली खोली गई बैंक का क्या नाम है। बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे हैं, अलग अलग तरीके से आंसर दे रहे हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या बताओगे? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सबसे पहली यूरोपियों द्वारा खोली गई जो बैंक थी उसका क्या नाम है? तो आप कहोगे बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी? 1770 ईस्वी में हुई थी। बोलो भाई, इतने में कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहली यूरोपियों द्वारा खोली गई जो बैंक थी उसका नाम क्या था? तो आप कहोगे सर क्या था? हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। किस कंपनी के द्वारा खोली गई थी? तो अलेक्जेंडर ऑफ कंपनी के द्वारा खोली गई थी। किसके द्वारा खोली गई थी? अलेक्जेंडर ऑफ कंपनी के द्वारा, अलेक्जेंडर ऑफ कंपनी के द्वारा खोली गई थी। अलेक्जेंडर ऑफ कंपनी के द्वारा ये बैंक खोली गई थी, इस बात को ध्यान रखना। और ये भारत की पहली यूरोपियों द्वारा खोली गई बैंक थी। बोलो भाई, इतने में कोई समस्या? अगर इतने में कोई समस्या नहीं है तो एक बार सभी लोग यस सर बोले। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे। हम इस समय टॉपिक जो लेकर चल रहे हैं वो है भारत में बैंकों का विकास। क्या था? भारत में बैंकों का विकास। इसको हमने आपको पहली क्लास में पढ़ाया भी था, भारत में बैंकों का विकास, भारत में बैंकों का विकास। ठीक है, हेडिंग आपकी क्या होगी? भारत में बैंकों का विकास, भारत में बैंकों का विकास, भारत में बैंकों का विकास। ठीक है, ये आपका टॉपिक था और हमने इसमें सबसे पहले ये बता दिया था कि यूरोपियों द्वारा भारत में खोली गई सबसे पहली बैंक कौन सी थी, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान थी। कब खोली गई थी? 1770 ईस्वी में खोली गई थी। कौन सी कंपनी ने खोली थी? तो अलेक्जेंडर ऑफ कंपनी के द्वारा खोला गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारतीयों के सीमित डेटा पर आधारित भारत का पहला बैंक।
भारतीयों की सीमित देयता, भारतीयों की सीमित देयता पर आधारित, सीमित देयता पर आधारित भारत की पहली बैंक, भारत की पहली बैंक। भारत की पहली बैंक बताओ भाई कौन सी है? तो भारतीयों पे या भारतीयों के सीमित देयता पर आधारित भारत की पहली बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक थी। कौन थी? पहली बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक थी। कौन सी भैया? अवध कॉमर्शियल बैंक थी, अवध कॉमर्शियल बैंक थी, अवध कॉमर्शियल बैंक थी। क्या थी? अवध कॉमर्शियल बैंक थी। अब आपसे पूछा जाए कि अवध कॉमर्शियल बैंक कब खोली गई थी, तो ये 1881 ईस्वी में खोली गई थी। कब खोली गई थी? 1881 ईस्वी में अवध कॉमर्शियल बैंक खोली गई थी। उस समय भारत का वायस राय कौन था? तो उस समय भारत का वायस राय लॉर्ड रिपन था। भारत का वायस राय कौन था इस समय? भारत का वायस राय कौन था? भारत का वायस राय अगर पूछे कौन था, तो भारत का वायस राय लॉर्ड रिपन था। कौन था? लॉर्ड रिपन था, है ना। और इसके ही समय में आप जानते हो, इसके ही समय में भारत में पहली बार व्यवस्थित जनगणना करी गई थी। भारत में पहली बार व्यवस्थित गणना, जनगणना इसी के समय में हुई थी। भारत का वायस राय कौन था उस समय? तो आप कहोगे उस समय भारत का वायस राय था लॉर्ड रिपन। बोलो भाई, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछे, जबकि भारतीयों के द्वारा पूर्ण रूप से आधारित पहली बैंक, जबकि भारतीयों के द्वारा पूर्ण जबकि भारतीयों द्वारा जबकि भारतीयों के द्वारा पूर्ण रूप से आधारित, भारतीयों के द्वारा पूर्ण रूप से आधारित, पूर्ण रूप से आधारित पहली बैंक, पूर्ण रूप से आधारित पहली बैंक पंजाब नेशनल बैंक से आधारित पहली बैंक पंजाब नेशनल बैंक थी। कौन सी? जिसको आप बोलते हो पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक थी। पंजाब नेशनल बैंक थी, ठीक है। कि स्थापना कब हुई थी, जल्दी से आप लोग बताओ, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना? 1894 ईस्वी में। कब? 1894 ईस्वी में किसने किया था? लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी, राय के द्वारा की गई थी, लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। जबकि भारतीयों के द्वारा पूर्ण रूप से आधारित पहली बैंक पंजाब नेशनल बैंक थी, इसकी स्थापना 1894 में हुई। मेरे दोस्त, सही तरीके से पूछा जाए तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी, आंसर आएगा 1894 ईस्वी में। इसकी स्थापना किसने किया था? लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। जबकि भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीयकृत बैंक, जबकि ध्यान देना, जबकि भारत की सबसे पुरानी, भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम, राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम, राष्ट्रीयकृत बैंक का
नाम। राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम क्या था? तो आप बताएंगे इलाहाबाद बैंक था। क्या था? इलाहाबाद बैंक थी, इलाहाबाद बैंक थी, इलाहाबाद बैंक थी। ठीक है, अगर पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना बच्चे ध्यान देना 1865 में हुई थी। कब हुई थी? 1865 ईस्वी में हुई थी। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो पेपर में आपसे पूछे कि भारत की पहली सबसे पुरानी, भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीयकृत बैंक का क्या नाम है, आंसर आएगा इलाहाबाद बैंक है। और इसकी पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1865 ईस्वी में हुई थी। क्या? इसकी स्थापना 1865 ईस्वी में हुई थी। अब हेडिंग आप डालिएगा भारतीय स्टेट बैंक, जिसको बोलते हैं SBI। क्या बोलेंगे? भारतीय स्टेट बैंक। इसके बारे में पढ़ेंगे, भारतीय स्टेट बैंक। क्या पढ़ेंगे? भारतीय स्टेट बैंक, जिसको बोलते हैं SBI। क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है SBI, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, इसके बारे में भी ढेर सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में अपने कर्मचारियों के वित्त के लेन देन के लिए 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। ब्रिटिश सरकार के द्वारा, क्या कहेंगे इसमें आप लिखेंगे, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में अपने कर्मचारियों द्वारा, भारत में अपने कर्मचारियों, अपने अपने कर्मचारियों के वित्त लेन देन के लिए, वित्त लेन देन के लिए, वित्त लेन देन के लिए या वित्तीय लेन देन के लिए 1806 में बैंक ऑफ बंगाल के लिए, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, ध्यान देना ये सब पॉइंट पूछे जाते हैं, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। 1840 में, 1840 में, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई। पेपर में आपसे पूछे कि बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब हुई, तो 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई, बैंक ऑफ बॉम्बे की, तथा 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई, तथा 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। ध्यान से देखिएगा, ये पूरा लॉजिक आपको पता होना चाहिए, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। ठीक है, तो थोड़ा एक बार फिर से देखते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ के बारे में, भारतीय स्टेट बैंक के बारे में पढ़ना है तो धीरे धीरे ये बनी, ठीक है, धीरे धीरे ये बनी है। देखो, जैसे बात करें भारतीय स्टेट बैंक, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में अपने कर्मचारियों के, भारत में अपने कर्मचारियों के वित्त लेन देन के लिए 1806 में बैंक ऑफ बंगाल। तो आपसे पूछे कि बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, जबकि 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई और 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। आगे चल के इसका नाम चेंज होता है, और आगे चलकर इसका नाम और चेंज होगा। अगर बात किया जाए
तो आपको यह भी पता है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चेम्बरलिन कमेटी की संतुलित पर इन तीनों तीनों प्रेसिडेंट बैंकों को मिलाकर, है ना, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, क्या प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन तीनों बैंकों का नाम, तीन कौन कौन सी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों का नाम बदलकर, तीनों बैंकों को मिलाकर, तीनों बैंकों को मिलाकर क्या किया गया, 1921 में इंपीरियल बैंक रख दिया गया, 1921 में इंपीरियल बैंक कर दिया गया, इंपीरियल बैंक कर दिया गया, बैंक कर दिया गया। मेरे दोस्त, ये पेपर में आपसे पूछा जाता है कि इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई या इंपीरियल बैंक का नाम कब रखा गया, तो आपको पता है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में अपने कर्मचारियों के वित्तीय लेन देन के लिए 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। उसके बाद प्रथम युद्ध हुआ, क्या कौन सा हुआ, प्रथम युद्ध के दौरान, या प्रथम युद्ध के दौरान 1921 ईस्वी में इन तीनों बैंकों का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इंपीरियल बैंक कर दिया गया, ठीक है। तो देश की स्वतंत्रता के बाद इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर, अब आगे देखोगे क्या होगा, भारत देश के स्वतंत्र होने के बाद, भारत देश के स्वतंत्र होने के बाद, होने के बाद इसका नाम बदलकर, इंपीरियल बैंक का बाद इंपीरियल बैंक का नाम, इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। पेपर में आपसे पूछा जाता है, पेपर में आपसे पूछा जाता है कि भारत देश के स्वतंत्र होने के बाद इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो जब भारत देश हमारा स्वतंत्र हो गया उसके बाद इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, क्या कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। और 1955 में इसका गोरवाला समिति की सिफारिश पर, क्या 1955 में गोरवाला, ये ध्यान रखना, गोरवाला समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर, गोरवाला समिति की सिफारिश पर इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, सिफारिश पर SBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। पेपर में आपसे पूछा जाता है कि SBI का राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया, 1955 में गोरवाला समिति की सिफारिश पर SBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो भारत देश के स्वतंत्र होने के बाद इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया 1955 में, 1955 में गोरवाला समिति की सिफारिश पर SBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो आपसे पूछे कि SBI का राष्ट्रीयकरण किसकी सिफारिश पर किया गया, तो गोरवाला समिति की सिफारिश पर, गोरवाला समिति की सिफारिश पर SBI का राष्ट्रीयकरण 1955 ईस्वी में कर दिया गया। बोलो भाई, कोई दिक्कत।
उसके बाद 1955 में 8 रियासती बैंकों के भी राष्ट्रीयकरण किया गया और SBI में जोड़ दिया गया। इसके बाद है ना 1955 के बाद, इसके बाद आठ कौन सी, इसके बाद 8 रियासती बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके बाद 8 रियासती बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण करके SBI में मिला दिया गया। किसमें? SBI में मिला दिया गया। SBI में मिला दिया गया था, ठीक है, SBI का राष्ट्रीयकरण करके इसके 8 रियासती बैंकों को भी राष्ट्रीयकरण किया गया और SBI के साथ जोड़ गया गया। इन बैंकों को SBI के सहयोगी या अनुसंगी बैंक कहा गया। इन बैंकों को क्या कहा गया, जो 8 रियासी बैंक थी इनको SBI का क्या, SBI की सहायक बैंक बताया गया। क्या बताया गया? सहायक बैंक बताया गया, ठीक है। तो आपसे पेपर में पूछे कि SBI के राष्ट्रीयकरण के बाद SBI की कितनी सहायक बैंकें बनी, तो SBI के बाद 8 रियासी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और उसके बाद उनको SBI में मिला दिया गया। बोलो भाई, तो बताओ भाई, कोई दिक्कत है? वर्तमान समय में SBI विश्व की सर्वाधिक शाखाओं वाली बैंक है। बहुत बढ़िया, नोट करके लिख लेना। क्या? नोट करके लिख लेना, बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया। नोट करके लिख लेना मेरे दोस्त। वर्तमान समय में SBI विश्व की सर्वाधिक शाखाओं वाली बैंक बन गई। सर्वाधिक शाखाओं वाली बैंक बन गई थी, बैंक बन गई थी, ठीक है। वर्तमान समय में SBI विश्व की सर्वाधिक शाखाओं वाली बैंक बन गई थी। बोलो भाई, इतने में कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपसे पूछे कि दुनिया भर में सबसे अधिक शाखाओं वाली बैंक का क्या नाम है, तो आंसर आएगा भारत की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी। ये रिपोर्ट जो आई थी, ये जो रिपोर्ट आई थी, ये 2016 में आई थी। कब? 2016 में आई थी कि भैया हो, जो दुनिया की सबसे अधिक सर्वाधिक शाखाओं वाली बैंक है उसका नाम SBI है, ठीक है। बोलो भाई, आगे चल के देश में हरित क्रांति की शुरुआत के बाद, क्या देश में हरित क्रांति की शुरुआत के बाद, हरित क्रांति की शुरुआत के बाद, क्या शुरुआत के बाद देश में हरित क्रांति की शुरुआत के बाद क्या हुआ भाई? शुरुआत के बाद कृषि क्षेत्र में वित्त उपलब्ध कराने के लिए, कृषि क्षेत्र में वित्त उपलब्ध कराने के लिए, कृषि क्षेत्र में वित्त उपलब्ध कराने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए, वित्त उपलब्ध कराने के लिए 19 जुलाई 1969 को, क्या ये डेट याद रखना, 19 जुलाई 1969 को, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का, कौन कौन सी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण
किया गया? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और अब आपको ये पता होना चाहिए सर कि भारत में हरित क्रांति कब आई थी, तो 1900 कब आई थी, 1967 और 66 और 67 में, है ना। भारत में हरित क्रांति कब आई थी, 1966 और 67 में। 1966 और 67 में भारत में हरित क्रांति आई थी। आप सभी लोग जानते हो कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जाता है। अब उनका अंत हो चुका है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन किस राज्य से बिलोंग करते थे, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते थे। कहाँ से, तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते थे। और इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उस हरित क्रांति को देखते हुए आपको यह भी पता है कि पहली बार भारत में जब हरित क्रांति आई थी तो दो चीजों पे सबसे ज्यादा प्रभाव इसका पड़ा था, गेहूं और चावल पे। किस पे, गेहूं और चावल पे। अगर राज्य की बात करेंगे तो पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का प्रभाव दिखाई दिया था। हमने आपको फसलें भी बता दी कौन कौन सी सी फसल थी, तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो गेहूं और धान पे पड़ा था। किस पे, गेहूं और धान पे पड़ा था दोस्त। ठीक है, उसमें पांच फसलें ली गई थी, गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, ज्वार। ठीक है, पांच फसलों को लिया गया था। लेकिन किस पे सबसे ज्यादा प्रयास, किस पे सबसे ज्यादा दिखाई दिया इसका प्रभाव, तो वो दिखाई दिया था गेहूं और धान पे। तो देश में हरित क्रांति की शुरुआत के बाद कृषि क्षेत्र में वित्त उपलब्ध कराने के लिए, माने ऋण देने के लिए, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया। कितनी, 14 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया था, बताओ भाई। उसके बाद पुनः 1980 को, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, पुनः 6 अप्रैल 1980 को, पुनः 6 अप्रैल 1980 को, 6 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, किया गया था, पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 6 अप्रैल 1980 को किया गया था, बताओ भाई। इतने में कोई दिक्कत, अगर इतने में कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार यस सर बोलो, बहुत बढ़िया। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में विलय कर दिया गया। क्यों, 1993 ईस्वी में, बोलो भाई, 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी माने पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, विलय कर दिया गया था, विलय कर दिया गया था। इस बात को ध्यान रखना, अगर आपसे ये पूछ ले कि 1993 ईस्वी में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किसमें किया गया था, तो आप कहोगे न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पीएनबी में किया गया था। किसमें किया था, पंजाब नेशनल बैंक में किया, कर दिया गया था। बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब आप बात को कि सर जी राष्ट्रीयकृत बैंक क्या होती है ना, राष्ट्रीयकृत बैंक क्या होती है, हेडिंग डालोगे राष्ट्रीयकृत बैंक, क्या डालोगे हेडिंग, राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक बोलते। ठीक है, राष्ट्रीयकृत बैंक क्या होती है, बताओ बच्चे, राष्ट्रीयकृत बैंक क्या होती है, बोलो भाई। तो
तो राष्ट्रीयकृत बैंक उन बैंकों को कहा जाता है जिनकी पूंजी का अधिग्रहण एक बार पूर्णतया सरकार द्वारा की जाए। राष्ट्रीयकृत बैंक उन बैंकों को कहा जाता है, उन बैंकों को कहा जाता है जिनकी पूंजी का अधिग्रहण, जिनकी पूंजी का अधिग्रहण एक बार पूर्णतया अधिग्रहण एक बार पूर्णतया सरकार के द्वारा किया जाता है, पूर्णतया सरकार के द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर बात करें कि राष्ट्रीयकृत बैंक क्या होती, तो राष्ट्रीयकृत बैंक उन बैंकों को कहा जाता है जिनकी पूंजी का अधिग्रहण एक बार पूर्णतया सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा किया जाता है, बाद में निजी निवेश की अनुमति प्रदान की जाती है, बाद में निजी निवेश की अनुमति प्रदान की जाती है, अनुमति प्रदान की जाती है, बाद में निजी निवेश की अनुमति प्रदान की जाती है। ठीक है, ऐसी बैंक के क्या कहलाती हैं? राष्ट्रीयकृत बैंक कहलाती हैं। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या प्लस एसबीआई को मिलाकर कितनी हो गई हैं? टोटल 21 है। ठीक है, एसबीआई को शामिल करने पर इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? महिला बैंक एवं एसबीआई। ठीक है, थोड़ा सा रुको। एसबीआई प्लस महिला बैंक को मिलाकर, महिला बैंक को मिलाकर इनकी संख्या टोटल कितनी हो गई है? 21। इस बात को ध्यान रखिएगा, कितनी हो गई है? 21 हो गई है। राष्ट्रीयकृत बैंक उन बैंकों को कहा जाता है जिनकी पूंजी का अधिग्रहण एक बार पूर्णतया सरकार द्वारा किया जाता है, बाद में निजी निवेश, है ना, प्राइवेट व्यक्ति निजी निवेश की अनुमति प्रदान की जाती है। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या प्लस एसबीआई प्लस महिला बैंक को मिलाकर इनकी संख्या टोटल कितनी हो गई है? 21 हो गई है। बताओ भाई, कोई संख्या, कोई दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। इतने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बोलो भाई, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग आज क्या क्या पढ़े हैं, आज की क्लास में क्या क्या हुआ है। ये है ना, सबसे पहले हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हमने सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि यूरोपियों द्वारा भारत में सबसे पहली खोली गई बैंक का क्या नाम है, तो सभी लोगों ने बताया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, है ना। बैंक ऑफ हिंदुस्तान को किस कंपनी के द्वारा खोला गया था?
तो एलेक्जेंडर ऑफ कंपनी के द्वारा इसको खोला गया था। हिंदुस्तान बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदुस्तान बैंक की स्थापना 1770 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1770 ईस्वी में इस बैंक की स्थापना हुई थी। उसके बाद क्या किए थे हम लोगों ने? फिर भारत में बैंकों का विकास कैसे हुआ इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया कि भारत में बैंकों का विकास धीरे धीरे कैसे हुआ। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो भारतीयों की सीमित देयता पर आधारित भारत की पहली बैंक अवध कमर्शियल बैंक थी। कौन सी? भारतीयों की सीमित देयता पर आधारित भारत की पहली बैंक कौन सी थी? अवध कमर्शियल बैंक थी। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। आपसे पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है कि जब अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत में वायसराय कौन था? तो उस समय भारत में वायसराय लॉर्ड रिपन थे। कौन? लॉर्ड रिपन थे। और इन्हीं के समय में भारत में क्या की गई थी? भारत में जनगणना हुई थी। पहली सुव्यवस्थित जनगणना। कौन सी? पहली सुव्यवस्थित जनगणना इन्हीं के समय में हुई थी। किसके? लॉर्ड रिपन के समय में। और वैसे भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मियो के समय में हुई थी। लेकिन आपसे पूछे नियमित जनगणना कब हुई थी? तो नियमित जनगणना पहली बार 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा कराई गई थी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कौन सा था? जबकि भारतीयों के द्वारा पूर्ण रूप से आधारित पहली बैंक कौन थी? भारतीयों के द्वारा, भारतीयों ने पहली पूर्ण रूप से आधारित कौन सी बैंक खोली थी? तो भारतीयों ने सबसे पहले कौन सी बैंक खोली थी? पंजाब नेशनल बैंक। कौन सी? पंजाब नेशनल बैंक थी। और पेपर में आता है कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में ईस्वी में हुई थी। और यह भी पूछा जाता है कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसने किया था? तो आप कहते हो लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। जबकि भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीयकृत बैंक पूछे, जबकि भारत की सबसे पुरानी बैंक, ये क्वेश्चन आ चुका है कि भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीयकृत बैंक का क्या नाम है? आंसर आएगा इलाहाबाद बैंक ऑफ इलाहाबाद। आपसे पूछे भारत की पहली राष्ट्रीयकृत बैंक या सबसे पुरानी राष्ट्रीयकृत बैंक का क्या नाम है? आंसर आएगा बैंक ऑफ इलाहाबाद या इलाहाबाद बैंक। पूछे इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1865 ईस्वी में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दुनिया में सबसे ज्यादा शाखाओं वाली बैंक कौन सी है? तो आप कहोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, जिसको SBI बोला जाता है। आपने पढ़ा होगा ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में अपने कर्मचारियों के वित्तीय लेन देन के लिए 1806 में, कौन सी? ध्यान देना, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। पेपर में आपसे पूछा जाता है कि बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई? तो बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में किया गया, जबकि 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, और 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। ये तीनों प्रेसिडेंसियां थी। आपको पता होना चाहिए कि बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये तीनों प्रेसिडेंसियां थी। उसके बाद यहां पर बैंक की स्थापना की गई, उसी के नाम पर रख दिया गया। और प्रथम युद्ध के दौरान, है ना, प्रथम युद्ध के दौरान या प्रथम युद्ध के बाद, माने प्रथम विश्व युद्ध कब चला? 1914 से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और उसके बाद आपको जानते हो कि भारत की नहीं, पूरी दुनिया की ही जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ही गड़बड़ हो गई थी। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक कर दिया जाता है। पेपर में आपसे पूछा जाता है बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, तीनों को मिलाने के बाद कौन सी बैंक की स्थापना की जाती है? तो 1921 ईस्वी में कौन सी बैंक आ जाती है?
इंपीरियल बैंक आ जाती है, बैंक ऑफ इंपीरियल के नाम से जानी जाती है। पेपर में आपसे पूछा जाता है कि बैंक ऑफ इंपीरियल की स्थापना कब हुई या इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई, आंसर आएगा 1921 में। आगे बात करते हैं भारत देश के स्वतंत्र होने के बाद, ध्यान देना, भारत देश के स्वतंत्र होने के बाद इंपीरियल बैंक का नाम बदल दिया गया, इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। क्या कर दिया गया? SBI कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। किसकी समिति पर यह सिफारिश पर किया गया? तो 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है SBI का, और किस समिति पर? गोरवाला समिति की सिफारिश पर SBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। इसके बाद 8 रियासती बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके SBI में मिला दिया जाता है, और जो ये 8 रियासती बैंकें होती हैं ये SBI की सहायक बैंक होती हैं। ठीक है, आगे नोट करके देखिएगा, वर्तमान समय में SBI विश्व की सर्वाधिक शाखाओं वाली बैंक बन गई है। ये रिपोर्ट कब आई थी? 2016 में आई थी। ठीक है, आगे देश में हरित क्रांति की शुरुआत के बाद कृषि क्षेत्र में वित्त उपलब्ध कराने के लिए 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और कर दिया गया। कितनी? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और कर दिया गया। उसके बाद पुनः 6 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1993 ईस्वी में न्यू बैंक ऑफ इंडिया किसमें परिवर्तित हो जाती है? PNB में मिल जाती है। न्यू बैंक ऑफ इंडिया 1993 में किसमें विलीत हो जाती है? तो PNB में, पंजाब नेशनल बैंक में मिल जाती है। किसमें? पंजाब नेशनल बैंक में। उसके बाद एक और आती है, एक और कथन आप ध्यान रखो, राष्ट्रीयकृत बैंक क्या होती है? तो राष्ट्रीयकृत बैंक उन बैंकों को कहा जाता है जिनकी पूंजी का अधिग्रहण एक बार पूर्णतः सरकार के द्वारा किया जाता है, बाद में निजी निवेश की अनुमति प्रदान की जाती है। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या प्लस SBI को मिला लिया जाए और महिला बैंक को मिला लिया जाए तो कुल मिला के कितनी हो जाती है? 21 हो जाती है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा परिचय आपको बैंकों के बारे में मिला। अब इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें RBI के बारे में बहुत बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। आई होप आपको इतनी बातें जरूर समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में फिर से RBI को लेकर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें कल होंगी। जय हिंद साथियों।